हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं ये वाला डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन, लेडीज स्वेटर, बेबी स्वेटर, फ्रॉक, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। रंग साइड पे ऐसे दिखता है। ये डिजाइन 18 रोज का डिजाइन है। यही 18 रोज आपको रिपीट करते जाना है आगे आगे। इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 4 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 10 प्लस 4। इसमें मैंने 10 का मल्टीपल करके 20 प्लस 4 कर लिया है, टोटल 24 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे की तरफ लेंगे इस तरह से। अब एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से धागा पीछे। अब 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, यह अनुभव करना है इस तरह से। अब 2 फंदा ऐसे स्लिप करना है, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है पीछे के साइड से। फिर से यहाँ पर करना है, फिर 2 फंदा ऐसे स्लिप करना है, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है पीछे के साइड से। फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। अब यही रिपीट करना है आपको। आपको रिपीट करना है ये 2 फंदक छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 5 फंदा सीधा, 2 4 1 5, फिर यान ओवर, फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर यान ओवर, फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर 1 फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, यान ओवर, फिर 2 फंदे से स्लिप करना है, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर से एक बार यान ओवर, फिर 2 फंदे से स्लिप करना है, फिर 2 का 1 करना है पीछे की साइड से। धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। यहाँ तक आपको तो डिजाइन खत्म हुआ है। ये 2 फंदों छोड़कर यहाँ से यहाँ तक लास्ट का ये 2 फंदा, 1 फंदा उल्टा, एज स्टिच को भी उल्टा बुनना है। सेकंड रो सब उल्टा बुनना है। सेकंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो, 1 फंदे से स्लिप करिए जी स्टिच, फिर धागा आगे की तरफ लेंगे इस तरह से। अब 1 फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से धागा पीछे। अगली बार 5 फंदा बुने थे, अब 4 फंदा सीधा बुनना है। 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा। अब यान ओवर करना है इस तरह से। अब ये 2 फंदों को फिर इस तरह से स्लिप करना है, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर से एक बार यान ओवर, फिर 2 फंदे से स्लिप करना है, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है पीछे की साइड से। धागा आगे, अब 2 फंदा उल्टा। 1 2, अब ये रिपीट करना है आपको। आपको रिपीट करना है 2 फंदक छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 4 फंदा सीधा, 2 4, फिर यान ओवर, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है पीछे की साइड से, यान ओवर, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर 2 फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। धागा पीछे, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, यह अनुभव करना है इस तरह से। अब ये 2 फंदा स्लिप करना है इस तरह से।
अब ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर से यार्न अबाउट, फिर दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है। फिर धागा आगे, अब दो फंदा उल्टा, एक दो, यहाँ तक तो आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। यहाँ से यहाँ तक तो लास्ट का स्टिच दो फंदा उल्टा, एक दो, फोर्थ रो, फोर्थ रो सब उल्टा बुनना है। फोर्थ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्थ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए, फिर धागा आगे की तरफ ले आइए। अब एक फंदा उल्टा, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से धागा पीछे, अगली बार चार फंदा सीधा बुने थे, अब की बार तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब यार्न ओवर करना है इस तरह से। अब ये दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर एक बार यार्न ओवर, फिर दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर धागा आगे, अब यहाँ दो फंदा उल्टा बने थे, अब तीन फंदा उल्टा हो गया, एक दो एक तीन। अब ये रिपीट करना है आपको, आपको रिपीट करना है ये दो फंदों को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है तीन फंदा सीधा, दो एक तीन, यार्न ओवर, दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर यार्न ओवर, दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर तीन फंदा उल्टा, दो एक तीन। फिर से रिपीट करना है धागा पीछे, अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, यार्न ओवर, अब दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से। फिर से यार्न ओवर, फिर दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, दो बार करना है। फिर धागा आगे, अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, यहाँ तक तो आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। यहाँ से यहाँ तक तो लास्ट का दो फंदा स्टिच उल्टा। सिक्स रो सब उल्टा बुनना है। सिक्स रो सब उल्टा बन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेवेंथ रो, सेवेंथ रो एक फंदे से स्लिप करिए, धागा आगे की तरफ लाइए, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, अगली बार यहाँ तीन फंदे सीधा बुने थे, अब दो फंदे सीधा बुनना है, एक 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 दो, यार्न ओवर, अब दो फंदा इसे स्लिप करना है इस तरह से, दो का एक करना है पीछे के साइड से। फिर से यार्न ओवर, फिर दो फंदा इसे स्लिप करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे के साइड से। फिर धागा आगे, अब यहाँ चार फंदा उल्टा बनेगा, एक दो तीन, एक एक चार। अब यही रिपीट करना है आपको, आपको रिपीट करना है दो फंदों को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है दो फंदा सीधा, एक दो, यार्न ओवर, दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर यार्न ओवर, दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर चार फंदा उल्टा, दो एक चार। आपको यही रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, यार्न ओवर, और दो फंदे से स्लिप करना है इस तरह से, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से।
फिर से यहाँ नंबर, फिर दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट का दो फंदा एज स्टिच उल्टा, सेवेंथ रो कंप्लीट कर लिया है, एट रो सब उल्टा बुनना है। एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब नाइन्थ रो, नाइन्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए, धागा आगे की तरफ लाइए, अब एक फंदा उल्टा, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, अब अगली बार दो फंदे सीधा बुना थे, अब एक फंदा सीधा, यहाँ पर और दो फंदों को ऐसे स्लिप करना है इस तरह से, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर से यहाँ पर और दो फंदा इसे स्लिप करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, धागा आगे, अब यहाँ पांच फंदा उल्टा बनेगा, एक दो तीन चार पांच। अब ये रिपीट करना है आपको, आपको रिपीट करना है दो फंदों को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, एक फंदा सीधा यहाँ नंबर, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, यहाँ नंबर फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर पांच फंदा उल्टा, दो चार एक पांच, फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा यहाँ नंबर, दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर यहाँ नंबर, फिर दो का दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर धागा आ गई, अब पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार एक एक पाँच, यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट का ये दो फंदा एज स्टिच उल्टा। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया, टेंथ रो सब उल्टा बुनना है, टेंथ रो सब उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब इलेवन रो, इलेवन रो को अब इस डिजाइन को अब यहाँ बनाना होगा, इस डिजाइन को अब यहाँ बनाना होगा, डिजाइन को चेंज करना होगा। इलेवन रो में एक फंदे से स्लिप करिए, धागा आगे की तरफ लाइए, अब एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, यहाँ नंबर करना है इस तरह से, अब दो फंदा इसे स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर यहाँ नंबर, फिर दो फंदे इसे स्लिप करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, इस डिजाइन को अब यहाँ बनाना होगा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार एक एक पाँच, फिर यहाँ नंबर और दो फंदा इसे स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर से यहाँ नंबर, फिर दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, आपको ये रिपीट करना है, आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, यहाँ नंबर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर यहाँ नंबर दो का एक करना है पीछे की साइड से,
एक फंदा उल्टा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपको रिपीट करना है, पांच फंदा सीधा, दो चार एक पाँच, यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, यहाँ पर फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, एक फंदा उल्टा। आपको यही रिपीट करना है यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको दो चार छः आठ फंदा बचेगा, इसमें क्या करना है देखिए, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे एज स्टिच उल्टा। इलेवन रो कंप्लीट कर लिया है, अब ट्वेल्व रो सब उल्टा बुनना है। ट्वेल्व रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। थर्टीन रो, एक फंदा से स्लिप करिए, एक फंदा उल्टा, फिर पीछे, अब एक फंदा सीधा, यान पर फिर दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, धागा आगे और दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, यहाँ नंबर करना है इस तरह से, फिर दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर से यहाँ नंबर, फिर दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से। अब ये रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यहाँ नंबर, दो का एक करना है पीछे की साइड से, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, दो फिर चार फंदा सीधा, दो चार फिर यहाँ नंबर, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर दो यहाँ नंबर, दो का एक करना है पीछे की साइड से। आपको यही रिपीट करना है, लास्ट में रिपीट करने के बाद आपको दो चार छः आठ नौ फंदा बचेगा, इसमें क्या करना है देखिए, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर धागा आगे, लास्ट का ये तीन फंदा बचेगा ये उल्टा। फोर्टीन रोज सब उल्टा बुनना है। फोर्टीन रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्टीन रो, एक फंदा से स्लिप करिए, धागा आगे की तरफ ले गए, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ पर करना है इस तरह से। अब ये दो फंदा स्लिप करना है इस तरह से, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, यहाँ से ये चार चार फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, यहाँ पर अब दो फंदा से स्लिप करना है, कि दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर यहाँ पर दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से। ये रिपीट करना है आपको, एक दो तीन चार, ये चार फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, तीन फंदा उल्टा, दो तीन, फिर
तीन फंदा सीधा, दो तीन यान ऊपर, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर यान ऊपर, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है धागा आगे, लास्ट में रिपीट करने के बाद आपको दो चार छः आठ नौ दस, दस फंदा बचेगा। इसमें क्या करना है देखिए, तीन फंदा उल्टा, दो तीन धागा पीछे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा यहाँ पर करना है इस तरह से, फिर दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, धागा आगे एज स्टिच उल्टा, दो दो फंदा एज स्टिच उल्टा, 16 रोज सब उल्टा बुनना है। सिक्सटीन रोज आप उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेवेंटीन रो एक फंदा से स्लिप करिए, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन, एक चार, धागा पीछे, अब दो फंदा सीधा, एक दो, अब यान ऊपर, फिर दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर से यान ऊपर, फिर दो फंदा से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से। अब यही रिपीट करना है आपको, रिपीट करना है ये तीन फंदों को छोड़कर, दो तीन, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर दो फंदा सीधा, एक दो यान ऊपर, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर यान ऊपर, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर दो फंदा सीधा, एक दो यान ऊपर, फिर दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर से यान ऊपर, दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, धागा आगे एज स्टिच उल्टा, 18 रोज सब उल्टा बुनना है। एटीन रो सब उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन 18 रो का डिजाइन है, ये 18 रो आपको रिपीट करते जाना है आगे आगे, 1 से 18 रो, देने से डिजाइन बन के आएगा। अब यहाँ से 1 रो स्टार्ट करना है आपको, देन रिपीट करते जाना है, बुनने के बाद ऐसे डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।